प्राण यानी शरीर को चलाने वाली शक्ति, प्राण यानी फोर्स ऑफ लाइफ। प्राण से ही सब कुछ है और यही प्राण योग से प्रदीप्त होता है। प्राण को श्वास मान लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्वास के आश्रय से ही प्राण भी है। प्राण के लिए श्वास जरूरी है और इसी श्वास को संतुलित तरह से लेकर प्राणायाम किया जाता है। आज जिस प्राणायाम विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपकी सहन शक्ति व मानसिक क्षमता को बेहद बढ़ा सकता है। आज हम आपको आकाशीय प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आकाशीय प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें। अब श्वास छोड़ते हुए सर को इस तरह से पीछे की ओर धीमी गति से लेते जाएं और सर जहाँ पर जाकर अटक जाए वहीं रुक जाएं। नेत्र खुले रहेंगे। अब सामान्य गति से श्वसन लेते हुए नेत्रों को अपलक रखें। घर के भीतर कर रहे हैं तो छत को अपलक घूरें। घर के बाहर कर रहे हैं तो आकाश को या जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो वहीं किसी बिंदु पर केंद्रित होकर अपलक देखते रहें। पलक झपक जाए तो चिंता न करें, पुनः अपलक देखने का प्रयास करें। कुछ दिनों के अभ्यास में देर तक अपलक देख पाएंगे। जितनी देर सहजता से इस स्थिति में रुक सकें रुकें। श्वसन सामान्य रूप से लेते और छोड़ते रहें। फिर ऐसा लगे कि अब नहीं रुका जा सकता तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आएं और कुछ देर आंख बंद करके गर्दन और नेत्र को विश्राम दें। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 3 बार करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 1 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे कंठ पर या आती जाती श्वास पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें। आकाशीय प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाए वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर रहे इसका विशेष ध्यान दें। आकाशीय प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यासी सहनशील बनता जाता है तथा मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बनता जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से थायराइड व स्वर ग्रंथि के कई दोषों को दूर करने में लाभ मिलता है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। यह मुद्रा विशुद्धि चक्र को प्रभावित करती है, ग्रीवा ग्रंथि को सक्रिय करती है और नाड़ियों को संतुलित रखती है। चूंकि यह मुद्रा निचले केंद्रों से आने वाली ऊर्जा को रोकती है और सहस्रार चक्र से नीचे की ऊर्जा का पथ प्रदर्शित करती है, अतः यह विचारों को शांत करती है और उन्नत करती है। दिमाग शांत व मन प्रसन्न बनता है तथा सभी प्रकार के मानसिक विकार के उपचार में बेहद लाभदायक प्राणायाम है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अनिद्रा, माइग्रेन के रोग में भी लाभप्रद प्राणायाम है। स्वाद व सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। आवाज मधुर व स्वर यंत्र साफ होता है। गायकों या भाषण देने वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी यौगिक क्रिया है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा लकवा के इलाज में भी लाभ मिलता है। सर दर्द में राहत देने वाला प्राणायाम है। गर्भवती महिला व गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। शरीर की सभी नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। सर्दी खांसी से साधक दूर ही रहता है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का विकास होता है। चेहरे की कांति व सौंदर्य में वृद्धि होती है। ऊपरी रीढ़ की हड्डी लचीली व स्वस्थ बनती है। नेत्र व कर्ण रोग में भी लाभप्रद प्राणायाम है। आकाशीय प्राणायाम। आकाशी शब्द आकाश से लिया गया है जिसका अर्थ आसमान से है। चूंकि इस प्राणायाम में आकाश की ओर मुख रखकर प्राणायाम किया जाता है इसलिए इसे आकाशी प्राणायाम कहते हैं। आकाशी प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है।
विशुद्धि चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ने से व्यक्ति की वाणी मधुर व सत्य बोलने वाली बनती है। आकाशी प्राणायाम को खड़े हुए कभी न करें, केवल बैठे हुए ही इसे करें। यदि ग्रीवा, रीढ़ की समस्या हो या सिर चकराने की वृत्ति हो तो सिर को ज्यादा पीछे न झुकाएं। गर्दन व कंधे के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति आसन का अभ्यास न करें। स्पॉन्डिलाइटिस के विकार से ग्रस्त व्यक्ति धीमी गति व सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी इसे न करें। उच्च रक्तचाप हो या उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। हमेशा आकाशी प्राणायाम का अभ्यास योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। आकाशी प्राणायाम एक अनोखा, अनसुना लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था आकाशी प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।